कि ईश्वर को मत मानो, आत्मा को मत मानो और किसी स्वर्ग नर्क को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नकार दिया क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध की जो प्रणाली थी, उनका जो सिस्टम था, उनका जो धम्म था, वह पूरी तरह से विज्ञानवादी था। और उस विज्ञानवादी धम्म में जिस प्रकार भगवान आत्मा या ईश्वर की कोई भी आवश्यकता विज्ञान में नहीं होती, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। उसमें भी ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध लोगों को विज्ञानवादी बनाना चाहते हैं। वे अंधविश्वासी और रूढ़िवादी खत्म करना चाहते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने हमेशा कहा कि किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को, सुपरस्टिशन को कोई व्यक्ति फॉलो ना करे। तो जब भी किसी स्थान पर या गांव में जाते थे, अपने शिष्यों से कहते थे कि आप जाओ लोगों से खुलकर ये बताओ, चिल्ला कर कहो कि तथागत गौतम बुद्ध की ये शिक्षाएं। तो लोगों ने कहा कि ऐसा कहने की क्या ज़रूरत है। तो तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि रूढ़िवादी विचारों ने लोगों के मस्तिष्क को ऐसे खा लिया है जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है। तो लोगों को ईश्वर के बंधन से मुक्त करने के लिए, लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने के लिए तथागत गौतम बुद्ध ने ईश्वर की मनाई कर दी। और बाद में इन सवालों पर उन्होंने बेल लगा दिया कि ईश्वर और आत्मा संबंधित जो मूर्खता के प्रश्न है कोई व्यक्ति क्वेश्चन नहीं करेगा। अभी जो जर्मन के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, जो हिटलर के गुरु हैं, फ्रेडरिक नीत्शे, उन्होंने कहा है दी गॉड इज डेड एंड मैन इज़ फ्री टू डू एवरीथिंग, कि मनुष्य मर गया है और अब ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है और जो आदमी चाहे वो काम करने के लिए स्वतंत्र है। इसी संबंध में जो अपने बहुत ही वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन नाम की जो बुक अमेरिका के बहुत ही फेमस थिंकर बेंटाड रसल ने लिखी है, बेंटाड रसल इस बात के लिए, और फ्रेडरिक नीत्शे भी कहते हैं, फ्रेडरिक नीत्शे ने एक जगह ये बात कही है कि जो बाइबल का कोटेशन है इसको बहुत कोट किया है कि मनुष्य ने गलत बोला है। बाइबल में कोटेशन आता है मैन क्रिएटेड द गॉड इन हिज ओन इमेज, कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल के अनुसार बनाया है। मैन क्रिएटेड गॉड इन हिज ओन इमेज, कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी शक्ल और सूरत के अनुसार बनाया है। लेकिन नीत्शे कहते हैं कि सच बात यह है कि मैन क्रिएटेड द गॉड बट द गॉड नॉट क्रिएटेड द मैन, मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। वो कहते हैं कि अफ्रीका के लोगों का जो लोग होते हैं उनके होठ मोटे होते हैं, जब भी वो अपने ईश्वर या देवताओं को बनाते हैं तो उनके होठ मोटे कर देते हैं। अंग्रेज जब भी अपने गॉड को या अपने गॉडेस्ट को बनाते हैं तो उनकी आँखें नीली कर देते हैं, क्योंकि उनकी आँखें नीली होती हैं। उसी प्रकार इंडिया का जो आदमी है वो अपनी नाक और शकल के मुताबिक ईश्वर को, हिंदू देवी देवताओं को बनाता है। इसलिए ईश्वर को बनाने वाला मनुष्य है, ना कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इसी बात में एक फ्रेंच के बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उनका नाम दिदरोड है। दिदरोड ने कहा है कि मेरी घड़ी में 8 बजे अगर दुनिया में कोई ईश्वर है तो जरा 9 बजा दे। तो विज्ञानवादी जो विचारधारा तथागत गौतम बुद्ध की है, तथागत ही उस व्यक्ति को कहते हैं जो तथ्य से अवगत कराता हो, द मैन हु इंट्रोड्यूसेस यू विद द साइंटिफिक फैक्ट। इसलिए भगवान बुद्ध ने ईश्वर से कोई कल्याण नहीं होने वाला, आत्मा से कोई कल्याण नहीं होने वाला और मानवता का कोई भी विश्वास नहीं होगा। तो भारतीय संस्कृति दो प्रकार की संस्कृति है, एक श्रमण संस्कृति है और दूसरी जो संस्कृति है ब्राह्मणवाद की संस्कृति है। श्रमण संस्कृति के अंदर बुद्ध और महावीर आते हैं। बुद्ध आत्मा और ईश्वर को नहीं मानते, जबकि महावीर ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा में विश्वास करते हैं। लेकिन चार्वाक की जो संस्कृति है वो बहुत पहले की है, और चार्वाक भी किसी भी ईश्वर आत्मा में कोई विश्वास नहीं करते। इसलिए चार्वाक ने ज्ञान का जो स्रोत है उसको केवल जो हम प्रत्यक्ष आंखों से देख रहे हैं उसको ज्ञान का स्रोत माना है। तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान और अनुमान दो चीज़ों को ज्ञान का स्रोत माना, सोर्स ऑफ नॉलेज माना है। वो कहते हैं कि हम जो आंखों देख रहे हैं वो ज्ञान है, अगर कहीं पर धुआं है तो वहाँ पर आग होगी। ये अनुमान, ये ज्ञान के दो स्रोत बुद्ध की फिलोसफी में, बुद्ध के दर्शन में बताए गए हैं। जहाँ तक ईश्वर का मनुष्य के रोल है,
ईश्वर का मनुष्य के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब वो अपने प्रिय से आनंद को कहते हैं, क्योंकि आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं होता, वो आनंद से कहते हैं कि आनंद आप दी बबो, अपने दीपक स्वयं बनो। कोई भी देवता, कोई ईश्वर, इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति आकर आपकी मदद नहीं करेगा। इंसान को अपनी मदद खुद करनी है, और उसे इन मतलब कहने का ये है कि आकाश की बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आदमी की मदद करने के लिए, महिला या किसी इंसान की मदद करने के लिए नहीं आएगा। मदद केवल इंसान को खुद करनी पड़ेगी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद अपदीप भवो, और जो ईश्वर की कंसेप्ट है तथागत बुद्ध के संबंध में, वो इसे मूर्खता का प्रतीक मानते हैं। और बौद्ध विद्वानों ने कभी भी ईश्वर को, आत्मा को, या पुनर्जन्म को, या स्वर्ग नर्क को, या आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इस वाली कंसेप्ट का विरोध किया है, खंडन किया है। और मैं आपको बता दूं, उनके तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की एक घटना है कि एक व्यक्ति के जहर से भुजा हुआ तीर लग जाता है, तो वो व्यक्ति कहता है कि पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, ये तीर किसी काले रंग के आदमी ने मारा है, भूरे ने मारा है, ये तीर किसी दोस्त ने मारा है, दुश्मन ने मारा है, या ये तीर किसने मारा है। तो वो व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवाता और मर जाता है। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धर्म है वो केवल लोगों को मार्ग दिखाने के लिए, कल्याण करने के लिए है, बहुजनों के हिताय के लिए है। और जो तथागत गौतम बुद्ध का धर्म है वो पूरी तरह से विज्ञानवादी है। उनके धर्म में भाईचारे का अर्थ ये नहीं है कि चारा है तो भाई है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि निस्वार्थ रूप से मानवता की सेवा कैसे की जाए, ये तथागत गौतम बुद्ध का धम्म सिखाता है। और वो कहते हैं कि अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति उसी प्रकार नहीं देख पाता जैसे कि अंधा दिन में प्रकाश को नहीं देख पाता है। और उन्होंने ईश्वर से, आत्मा से, हर प्रकार के रूढ़िवादी विचार से तथागत गौतम बुद्ध ने मनाही की है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारा विचार पूरी तरह से विज्ञान आधारित होना चाहिए। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है वो किसी भी हालात में मैं मतलब कि विज्ञान से नहीं डरता है। और तथागत गौतम बुद्ध का ये वचन जिसे विज्ञान मानती है कि अगर कोई बात मैं कहता हूँ तो इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूँ, जब तक कोई बात आपकी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर, आपके रीजन और लॉजिक पर सही सही ना उतरती हो, तो किसी बात को आप लोग इसलिए ना माने। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।